हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो यूनिट नंबर 3 के अंडर में आता है, लिमिट फिट्स टॉलरेंस एंड गेजेस के अंडर में। और टॉपिक का नाम है लिमिट गेजेस। ये टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक था टेलर प्रिंसिपल, उस पर बेस्ड है। जिनको भी टेलर प्रिंसिपल समझ में आएगा, जिसमें उन्होंने जिसने गेजेस, गो साइड नो गो साइड, मैक्सिमम मॉडल कंडीशन, मिनिमम मॉडल कंडीशन, ये सब चीज़ें पढ़ी सुनी, उनको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएंगे। या वहाँ पे अगर कुछ आपको डिफिकल्टी गई तो ये टॉपिक में वो डिफिकल्टीज सॉल्व हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर का हम लोग देख लेते हैं कंसेप्ट। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वहाँ पे? हम लोगों ने पढ़ा था अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ टेलर प्रिंसिपल एंड अप्लाई टेलर प्रिंसिपल इन डिजाइनिंग ऑफ गेजेस। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक लर्निंग आउटकम है सिलेक्ट रिलेवेंट गेजेस विथ जस्टिफिकेशन। मतलब हमें जो ये टाइप्स ऑफ गेजेस है, इसमें से कोई भी हम लोग गेज हम लोग सिलेक्ट करेंगे एज पर हमारा नीड, और उसके लिए हमें को जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि हम लोगों ने ये गेज ही क्यों सिलेक्ट किया। आइडेंटिफाई गो एंड नो गो साइड्स ऑफ द गेजेस। आप किसी भी गेज का गो साइड और नो गो साइड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई गेजेस विद जस्टिफिकेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा गेज किस वर्क के लिए काम में आता है। अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ गेजेस एंड देयर अप्लीकेबिलिटी, मतलब कौन कौन से टाइप्स ऑफ गेजेस है और कौन सा गेज कहाँ पे अप्लीकेबल होता है। तो प्रोग्राम आउटकम है फ्रेंड्स आज का, हमारा हमारा आज का टॉपिक से सेटिस्फाई होगा PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, 9 और 10। तो PO3, PO4 इसलिए आज हमारे इसके अंदर इंक्लूड हुआ है कि PO3 बिलोंग्स टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, और PO4 होता है टूल्स एंड इक्विपमेंट जो कि एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस के लिए काम में आते। तो हमारे ये इंस्ट्रूमेंट्स है अवेलेबल, प्रैक्टिकली हम लोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे PO3 और PO4 भी सेटिस्फाई होगा दोस्तों हमारा। लिमिट गेजेस यहाँ से अपना स्टार्ट होगा सर। तो फ्रेंड्स टॉपिक, तो देखिए पहला पॉइंट है गेजिंग डन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस रेफर्स टू द मेथड बाय विच इट इज डिटरमाइंड क्विकली वेदर और नॉट द डायमेंशन ऑफ द चेकिंग पार्ट इन प्रोडक्शन आर विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। सो देखिए हम लोगों ने अब पहले भी बात की कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और गेजिंग, इस बारे में हम लोगों ने बात की है। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिकली हम लोग गेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो गेजेस क्या होता है दोस्तों, पढ़ाने बहुत इंस्टेंटली आंसर बताता है कि वो डायमें जो पार्ट है वो डायमेंशन के अंडर में है या नहीं। वो कितना डायमेंशन है वो नहीं बताएगा, लेकिन डायमेंशन के लिमिट्स के अंदर में है या नहीं है वो बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स कॉल्ड गेजेस। और ये सब चीज हम लोग किसके हेल्प से करते हैं? गेजेस के हेल्प से। आगे बढ़ेंगे, एडवांटेज। इसका एडवांटेजेस क्या है दोस्तों? तो देखिए दीज आर फ्री फ्रॉम एरर, यानी पहला पॉइंट है इनका कि ये एरर्स इसके अंदर रहते नहीं है। जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बहुत प्रोमिनेंट फीचर है कि एरर उसमें आता है, यहाँ पे एरर आता नहीं है। अगर एरर आएगा तो नया पार्ट ही खराब रहेगा दोस्तों। तो एक बार अगर वो बन गया अच्छे से, उसकी क्वालिटी ओके है, तो कभी भी उसमें एरर नहीं आता है। दीज आर पोर्टेबल, छोटे छोटे साइज में रहते हैं तो इनको हैंडलिंग करना आसान होता है। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पावर सप्लाई, मतलब इनको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती नहीं, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती नहीं है। देर इज नो नीड ऑफ एनी एडिशनल इक्विपमेंट विद गेजेस, हमें को गेजेस के साथ में कोई भी नया कुछ यानी एडिशनल इक्विपमेंट लेने की लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। कंबाइंड डायमेंशन लाइक लेंथ विद डायमीटर एंड एंगल कैन बी मेजर्ड, लेंथ मेजर कर सकते हैं, विड्थ मेजर कर सकते हैं, डायमीटर एंगल, ये सब चीजें हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं। अलाइनमेंट लोकेशन फॉर्म कैन ऑल्सो भी चेक, इससे हम लोग अलाइनमेंट भी चेक कर सकते हैं, लोकेशन प्रॉपर है या नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। फॉर्म्स जो मैंने आपको उसके पहले टॉपिक में बताया था कि इंटरनल फीचर्स एक्सटर्नल फीचर्स उसको कहा जाता है फॉर्म। प्रोवाइड यूनिफॉर्म रेफरेंस स्टैंडर्ड, जो हमारा आंसर रहता है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब अगर वो ओके नॉट ओके जो गो साइड से जाएगा नो गो साइड से नहीं जाएगा वो आंसर हमेशा यूनिफॉर्म मिलेगा। लेस एक्सपेंसिव फॉर मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है और इसके कॉस्ट भी बहुत कम है। नो नीड टू सेट यूजिंग मास्टर गेजेस, इसकी जरूरत, जैसे हम लोगों ने कंपैरेटर में देखा था कि विदाउट मास्टर गेजेस कंपैरेटर में काम नहीं कर सकते, लेकिन गेजेस में मास्टर गेजेस की ऐसी कोई जरूरत वगैरह पड़ती नहीं है। यूज बाय अनस्किल्ड अनस्किल्ड लेबर ऑल्सो, अनस्किल्ड लेबर भी यहाँ इसको यूज कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गेजेस, तो गेजेस को चार टाइप से क्लासिफाई किया गया है, अकॉर्डिंग टू टाइप, अकॉर्डिंग टू पर्पस, फॉर्म्स ऑफ टेस्टेड सरफेस और अकॉर्डिंग टू लिमिट।
टाइप्स के फॉर्म में देखिए दो चीजें आएगी, स्टैंडर्ड गेजेस और लिमिट गेजेस। स्टैंडर्ड गेजेस भी बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है, और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है लिमिट गेजेस। अकॉर्डिंग टू पर्पज देखिए, वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज एंड मास्टर गेज। तो ये हम लोगों ने जैसे स्लिप गेज में पढ़ा था कि कुछ लैब में यूज करते हैं, कुछ वर्कशॉप में यूज करते हैं, और वो एक स्टैंडर्ड होता है कैलकुलेशन के लिए। तो इस टाइप से है स्टैंडर्ड, वर्कशॉप गेजेस, इंस्पेक्शन गेजेस एंड मास्टर गेजेस। ज्यादातर यूज होता है वर्कशॉप गेजेस, उनको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इंस्पेक्शन गेजेस, उन दोनों को चेक करने के लिए यूज किया जाता है मास्टर गेजेस का। फॉर्म ऑफ टेस्टेड सरफेस मतलब होल्स और शाफ्ट के लिए जो यूज किए जाते हैं, यही हमारा मेन टॉपिक है आज का। जो होल्स और शाफ्ट के लिए जो हम लोग यूज करें, यही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सिंगल एंड प्लग गेज, डबल एंड प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, हॉलो एंड प्लग गेज, फॉर शाफ्ट, स्नैप गेज, रिंग गेज, सिंगल एंड रिंग गेज। स्नैप गेज के दो टाइप है, डबल एंड रिंग गेज और एडजस्टेबल। और अकॉर्डिंग टू लिमिट में सिंगल लिमिट, डबल लिमिट, फिक्स लिमिट एंड एडजस्टेबल लिमिट। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लिमिट गेजेस, प्रिंसिपल ऑफ गो एंड नो गो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू। दीज आर मेड अप अकॉर्डिंग टू टू लिमिट, दैट इज हाई और लो लिमिट ऑफ साइज। मतलब मैंने हम लोगों ने इसके पहले भी बात किया था कि अपर लिमिट के हिसाब से और लोअर लिमिट के हिसाब से गेजेस बनते हैं। द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन शुड कवर्ड बाय गो गेज व्हिच शुड बी पास व्हाइल गेजिंग, एंड मिनिमम मटेरियल कंडीशन शुड बी मैच नो गो साइड व्हिच शुड नॉट बी पास व्हाइल गेजिंग। मतलब जब भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो गेज हमारा मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के ऊपर जाएगा, ये याद रखना। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कौन सा गेज? वो गेज, और ये पास होना चाहिए। नो गो गेज मिनिमम मटेरियल कंडीशन, नो गो साइड के लिए, और ये पास होना नहीं चाहिए। तो पहला देखेंगे, ये देखिए कंसेप्ट यहाँ पे दिया है, ये होल है ठीक है। ये जो ब्लैक पोर्शन है ये होल का साइज है, और ये जो व्हाइट पोर्शन है ऊपर ये इसका सॉलिड पोर्शन है। तो इसमें बीच में यहाँ पे होल किया। अब होल में दो लिमिट दिखती है अपने को, एक मैक्सिमम लिमिट और एक मिनिमम लिमिट। तो गो गेज किसको चेक करेगा? मैक्सिमम लिमिट। तो ये पूरा गो गेज जाना भी चाहिए, तो ये मिनिमम लिमिट को। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक बात बोला था कि गो गेज हमेशा मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन को चेक करता है। अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से अगर ये होल यानी एक सॉलिड मटेरियल रहता और उसमें अपन ने होल किया, तो देखिए ज्यादा मटेरियल कहाँ पे है? मैक्सिमम लिमिट में, ये इतना मटेरियल ज्यादा कटेगा तो होल हो जाएगा बड़ा, और मिनिमम लिमिट में इतना मटेरियल रहेगा उसमें तो होल हो जाएगा छोटा। तो मटेरियल ज्यादा कहाँ पे रहेगा? मिनिमम लिमिट में, किसके लिए? फॉर होल के लिए। और मटेरियल कम कहाँ पे रहेगा? मैक्सिमम लिमिट में। सो गो गेज क्या चेक करता है? मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। सो ये क्या करेंगे यहाँ पे? मिनिमम लिमिट्स को चेक करेंगे, और ये यहाँ से लिख के इस एन तक जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है ये चेक करेंगे, और नो गो क्या करेगा? मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंग जाएगा। सो ये अंदर जाएगा नहीं, तो ये सिर्फ नहीं गया, मतलब उसने एक डायमेंशन चेक कर दिया, और ये गया मतलब इसने टोटल डायमेंशन एक साथ में चेक कर दिया। समझ आया फ्रेंड्स? आगे बढ़ते फिर, गेज इज फॉर होल दैट इज टू चेक इंटरनल डायमेंशन। होल चेक करने के लिए कौन से गेजेस का यूज किया जाता है? तो देखिए बेसिकली होल चेक करने के लिए प्लग गेज का यूज किया जाता है। कौन सा गेजेस का? प्लग गेज का। दिस गेजेस आर यूज फॉर चेकिंग होल्स ऑफ मेनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज। मतलब अलग अलग शेप होल के जो साइज रहेंगे उसके हिसाब से अलग अलग गेज अपने को यूज करना होगा। दिस आर प्लग गेज फॉर स्ट्रेट सिलेंड्रिकल होल्स, टेपर्ड, थ्रेडेड, स्क्वायर एंड स्प्लाइंड होल्स। ये एप्लीकेशन है सिलेंड्रिकल होल्स, टेपर्ड होल्स, थ्रेडेड स्क्वायर एंड स्प्लाइंड होल्स के लिए प्लग गेज का यूज किया जाता है। पर इसका ये इसका नाम है सिंगल एंड। तो हमारा टॉपिक है प्लेन प्लग गेज। प्लेन प्लग गेज में देखिए ये एक्चुअल व्यू है इसका। एक्चुअल व्यू मतलब जो एक्चुअल में ऐसा दिखता है ये मशीन शॉप के ऊपर। और ये इसका ड्राइंग है, ये गो साइड है, ये नो गो साइड है, और ये हैंडल है पकड़ने के लिए ठीक है। अभी क्या बोलता है देखिए, इन दिस बोथ गो एंड नो गो साइड आर माउंटेड ऑन वन बाय वन, सो दैट देयर इज ऑन वन बाय वन, सो दैट देयर इज नो नीड ऑफ टर्निंग द गेजेस फॉर चेकिंग गो एंड नो गो। इसका कहना है कि ये गो साइड और नो गो साइड दोनों एक ही साइड में होता है, इस वजह से इसको टर्न करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो इसके इसमें भी देखिए पहचानेंगे कि जब तो नो गो साइड का जो डायमेंशन है वो छोटा है ठीक है ना, ये गैप के बाद देखिए यहाँ पे छोटा डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड नो गो। लॉन्ग डायमेंशन रहेगा, बड़ा डायमेंशन रहेगा, उसको कहेंगे गो। गो का काम रहेगा कि ये पास होना चाहिए, और नो गो का काम रहेगा कि पास नहीं होना चाहिए। तो ये काय के लिए देखिए प्लग गेज है, ये क्या है? प्लग गेज। और प्लग गेज काय के काम में आता है? होल्स के डायमेंशंस को चेक करने के काम में। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स।
डबल एंडेड प्लेन प्लग गेज, जैसा वो सिंगल एंड था वैसा ये कौन सा है, डबल एंड है। अब देखिए इसमें ये होल्ड करने का पोर्शन ये वाला है, इसके अंदर एक साइड ये है यानी गो नो गो साइड में से एक साइड ये रहेगा और दूसरा साइड ये रहेगा। जो डायमेंशन है वो यहाँ पे दिया है, देखो जैसा गो का डायमेंशन कितना रहेगा 32.000 और दूसरा साइड रहेगा 32.100। अब इसमें से गो कौन सा है नो गो कौन सा ये कैसे पहचानेंगे। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे रेड मार्क वगैरह रहता है या ग्रीन मार्क रहता है। अब देखिए इस गेज में रेड मार्क ग्रीन मार्क है नहीं, फिर भी हम लोग इसको पहचान सकते हैं। जो मैंने बोला आपको, देखिए एक और बात बोल दी थी कि जो डायमेंशन बड़ा रहता है, साइज बड़ा रहता है उसको कहा जाता है गो, और जो साइड छोटी रहती है उसको कहा जाता है नो गो। तो ये हो गया प्लग गेज। कौन सा प्लग गेज है ये? प्लग गेज। प्लग गेज किस काम में आता है? होल्स को चेक करने के। प्लग गेज को बोला है क्योंकि ये होल्स के काम यूज चेक करने के काम में। तो प्लेन दूसरा वर्ड क्या है इसके अंदर? प्लेन। प्लेन क्यों? क्योंकि इसका जो ये सरफेस है ये प्लेन है, इसलिए इसका नाम है प्लेन प्लग गेज। और फिर क्या है? डबल एंड। डबल एंड क्यों? क्योंकि एक साइड एक एंड इधर है, दूसरा एंड यहाँ पे। तो ये देखिए जो हम लोगों ने बात किया था, एक तो ग्रीन मार्क रहता है, अब ये इसका जो ग्रीन मार्क है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे पीछे साइड में दब गया होगा, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। नहीं तो यहाँ पे ऐसा सर्कल या ऐसी स्ट्रिप रहती है ग्रीन और रेड कलर की। या दूसरा मैंने आपको बताया कि जो साइड बड़ा रहता है उसको वो साइड, जो साइड छोटा रहता है उसको नो गो साइड। ये भी प्लग गेज का ही एक टाइप है, प्लेन प्लग गेज का। इसमें देखिए डायमेंशन कितना है, बेसिक साइज है 5 और टॉलरेंस लिमिट है H7। तो इसमें एक साइड है ग्रीन, अभी देखिए यहाँ पे ग्रीन साइड दिख रहा है, यहाँ पे रेड साइड दिख रहा है, तो आप इससे पहचान सकते हैं गो साइड कौन सा है। तो इसका मतलब होगा गो साइड है ये वाला एंड और नो गो साइड है ये वाला एंड। डायमेंशन भी उसके दिए हुए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितने डायमेंशन होना चाहिए करके, ठीक है ना, 12 और +0.00018 ये नो गो का रहेगा और 12.00 ये गो का रहेगा। यहाँ पे 5.00 गो का रहेगा, 12.00012 ये नो गो का रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना थ्रेडेड प्लग गेज। देखिए ये प्लेन प्लग गेज का ही मॉडिफिकेशन है। अब इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए ये साइड लंबा साइड है और ये साइड छोटा है, तो इन दोनों में से गो साइड कौन सा रहेगा? जो ज्यादा लंबा है वो गो साइड, जो छोटा है वो नो गो साइड। दूसरा हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? रेड मार्क यहाँ पे दिया, देखिए यहाँ भले ग्रीन मार्क नहीं दिया होगा लेकिन एक साइड में रेड मार्क दिया, इसका मतलब क्या होगा? दूसरा साइड ग्रीन मार्क है। तीसरा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन अगर अनस्किल्ड है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको गो नो को पढ़ना नहीं आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे डायमेंशन भी दिया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? M5। क्या बोल रहा है ये? M5 मतलब इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर है 5 का। और ये 0.8 क्या है? पिच। पिच मतलब दो थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कभी भी थ्रेड को विद द हेल्प ऑफ पिच गिना जाता है, इसलिए यहाँ पे M5 × 0.8 लिखा हुआ है, ये हो गया डायमेंशन। और 6H मतलब ये गो और नो गो साइड के क्या डायमेंशन है, वो 6H से हमारे को मिलेंगे। समझ में आया दोस्तों? ये थ्रेडेड, ये नट या बोल्ट को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं, ये बेसिकली नट को चेक करने के लिए यूज करेंगे। क्या के लिए? नट। ये वैसा ही दूसरा पार्ट और ये तीसरा। समझ में आया फ्रेंड्स? आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट टॉपिक है रिंग गेज। अब ये देखिए रिंग गेज मतलब क्या होता है, ये शाफ्ट को चेक करने के काम में आता है। तो ये जो होल्स है इसके बीच में दिख रहे हैं ये आपको, ये होल्स, ये होता है इसका एक्चुअल डायमेंशन। जो भी शाफ्ट है यस गो साइड में से पास होना चाहिए, नो गो साइड में से पास नहीं होना चाहिए। इसका डायमेंशन देखिए कितना है, बेसिक साइज है 25, मतलब 25 mm का शाफ्ट इसमें से जाएगा। इसमें से 26 भी नहीं जा सकता, 24 भी नहीं जा सकता, इसलिए हमेशा किसके लिए रहेगा? 25H7 के जो डायमेंशन रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग, उसी साइज के शाफ्ट को हम लोग इसमें से चेक कर सकते हैं। तो ये रिंग गेज का क्या पर्पज होता है? सेम पर्पज। इसमें भी दो साइड है, एक गो दूसरा नो गो। ये गो नो गो कहाँ से आया? तो टेलर प्रिंसिपल से, गो शुड पास नो गो शुड नॉट बी पास। गो चेक शुड चेक मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, नो गो शुड चेक मिनिमम मटेरियल कंडीशन। तो यहाँ से जब भी हम लोग शाफ्ट को पास करेंगे तो गो में से शाफ्ट पास होना चाहिए, नो गो में से शाफ्ट पास नहीं होना चाहिए। समझ में आया दोस्तों? आगे गेजेस फॉर शाफ्ट दैट इज स्नैप गेजेस। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी कौन कौन से पढ़ा, प्लग गेज प्लेन प्लग गेज पढ़ा, सिंगल एंडेड डबल एंडेड, उसके बाद थ्रेडेड प्लग गेज पढ़ा और रिंग गेज पढ़ा। अभी हम लोग देखेंगे स्नैप गेज। स्नैप गेज में दो टाइप होते हैं, एक एडजस्टेबल स्नैप गेज एक और प्लेन यानी विदाउट एडजस्टेबल वाला, सिंपल स्नैप गेज बोलते हैं उसको, और दूसरा जो रहता है वो एडजस्टेबल रहता है। अब ये देखिए यहाँ पे ये स्नैप गेज है, इसमें दो एंड है गो, ये वाला जो साइड दिखेगा आपको, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये गो का डायमेंशन, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये नो होगा। अब ये किसके लिए बना है? 70 mm के लिए।
0.35 प्लस पॉइंट माइनस 0.35, तो ये शाफ्ट के लिए, तो शाफ्ट का जो हाइयर डायमेंशन है 70.35 ये हो गया गो के लिए, और 70 माइनस 0.35 मतलब 69.65 ये जो हो जाएगा ये नोगो के लिए। तो ये एक साइड इसका गो का डायमेंशन इतना रहेगा, नोगो का दूसरा डायमेंशन रहेगा, यहाँ से शाफ्ट पास होना चाहिए, यहाँ से शाफ्ट पास नहीं होना चाहिए, ये सिंगल एंडेड हो गया और ये डबल एंडेड, एक साइड में गो दूसरी साइड में नोगो, समझ में आया। आगे बढ़ते फिर, स्नैप गेज इन द फॉर्म ऑफ गो नोगो गेज, स्नैप गेज कैसे रहता है, गो नोगो फॉर्म में रहता है। लिमिट गेज, क्योंकि यहाँ पे दो लिमिट है इसको कहा गया लिमिट गेज विद परमानेंट और टेम्परेरी फिक्स मेजरमेंट अपर्चर, यानी इसमें आप परमानेंट भी उसको रह सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी जो डायग्राम देखा वो परमानेंट वाला था, वो 70.35 का रहेगा तो हमेशा उतना ही रहेगा, उसमें कुछ भी कम ज्यादा होगा नहीं। व्हिच इज यूज्ड टू क्विक वेरीफाई वेदर द आउटसाइड डायमेंशन ऑफ द पार्ट मैचेस द प्रीसेट डायमेंशन और फॉल विद इन द प्रीडिटरमाइंड प्रीडिफाइंड टॉलरेंस, मतलब ये देखा जाता है कि जो हम लोगों ने टॉलरेंस दिया उस टॉलरेंस के अंदर में बना है या नहीं, समझ में आया दोस्तों। The surface which define the edge of the aperture are the anvils, which may be made up of separate piece of hard material such as tungsten, carbide, copper, etc. जो end रहते हैं उसके, जिसके बीच में हम लोग job जो job measure करना है उसको fix करते हैं, वो कह रहा है कि वो hard material से बना रहता है क्योंकि वो continuously घिसते रहता है job से, भले ये आपके पास job एक ही रहेगा, gauge एक ही रहेगा, लेकिन ये 1000, 2000, 10000 piece के साथ में उसको हम लोग match करेंगे तो क्या होगा, इसका surface भी wear and tear होगा, तो वो डायमेंशन चेंज नहीं करना चाहिए, इसके लिए उसको हार्ड बनाया जाता है और टंगस्टन कार्बाइड से वो बनता है। टू एपर्चर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू प्रोवाइड नो गो टेस्टिंग एंड आर ऑफन अरेंज्ड सच दैट द पार्ट बीइंग मेजर्ड कैन पास थ्रू द टू एपर्चर इन सीक्वेंस, अ पार्ट दैट इज विद इन टॉलरेंस विल पास थ्रू द फिक्स्ड फर्स्ट मैक्सिमम साइज लिमिट एपर्चर बट व्हाइल बट विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू द मिनिमम साइज लिमिट एपर्चर। तो यही चीज जो अभी हम लोगों ने बात की कि उसमें दो साइड रहते हैं, गो साइड दूसरा नो गो साइड रहेगा, गो साइड फॉर मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के लिए, नो गो साइड फॉर मिनिमम मटेरियल कंडीशन के लिए, गो साइड में से पास होना चाहिए, नो गो साइड में से पास नहीं होना चाहिए। स्नैप गेज यूजुअली हैज अ सी शेप, कैसा शेप रहता है इसका, सी शेप फ्रेम विद अपर्चर्स एट द ओपनिंग ऑफ द सी, मतलब वो जो अपर्चर मतलब वो जो एंड रहते गो और नो गो के वो क्या करेंगे उसके ओपनिंग। स्नैप गेज में भी मशीन एंड ग्राउंड आउट ऑफ द सिंगल ब्लॉक ऑफ मेटल और एडजस्टेबल स्नैप गेज विच हैव मूवेबल एनविल विद मेनी बी एडजस्टेबल ओवर लिमिटेड रेंज ऑफ साइज मे बी यूज दे मे बी ऑल्सो बी दे मे ऑल्सो बी सॉरी दे मे ऑल्सो बी ऑफ बिल्ट अप कंस्ट्रक्शन इन विच वन और मोर गेज ब्लॉक और फिलर गेज ऑफ सैंडविच बिटवीन टू एनविल्स। इसको मैं आपको आगे के डायग्राम में बताता हूँ, देखिए ये सिंगल एंड स्नैप गेज और ये डबल एंड स्नैप गेज, ये जो है ना ये वो एंड है जिनको देखिए ये कार्बाइड ये जो है ना कार्बाइड टिप जो बोला हम लोग हार्डन सरफेस, ये डबल एंड है, ये सिंगल एंडेड है, इसके दोनों में गो और नोगो एक ही साइड में है, इसमें गो एक साइड में नोगो दूसरी साइड में, तो जो है ना लेकिन है कौन सा ये स्नैप गेज, लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये एक बार जो डायमेंशन है उसी डायमेंशन करेंगे, ये एडजस्टेबल नहीं। अभी हम आगे का डायग्राम देखेंगे, ये है एडजस्टेबल स्नैप गेजेस का, दिख रहा है दोस्तों ये देखिए ये एनविल्स है, ठीक है इस टाइप से इसको जॉब रखा जाता है, यहाँ पे स्क्रू रहते हैं और ये स्क्रू से इसको लूज या टाइट किया जाता है। अब इसमें कैसा होता है कि समझो फॉर एग्जांपल मुझे ये 2 mm का जॉब चेक करना है इसके ऊपर, कितने mm का 2 mm का, मैं क्या करूँगा एक 2 mm का स्लिप गेज लूंगा उसको इन दोनों एनविल्स के बीच में रख दूंगा और यहाँ से इसके स्क्रू को टाइट करूंगा तो क्या होगा ये दोनों एनविल्स टच हो जाएंगे। अगर मुझे 10 mm का चेक करना है तो मैं क्या करूंगा उस 2 mm को हटा दूंगा, इसके स्क्रू को लूज करूंगा, इसको ऊपर उठाऊंगा और इसके बीच में 10 mm का रख दूंगा और दोनों एनविल्स टच करके स्क्रू को टाइट कर दूंगा तो क्या होगा ये 10 mm उसमें एडजस्ट हो गया। अब मैं यहाँ से उस गेज को यानी स्लिप गेज को हटा दूंगा यहाँ से और फिर यहाँ पे वर्कपीस लगाऊंगा तो एक गो साइड के लिए दूसरा नोगो साइड के लिए, तो यहाँ गो में से जॉब जाना चाहिए नोगो में से जॉब नहीं जाना चाहिए, ये हो गया एडजस्टेबल। ऐसा ये वाला ये इससे भी सेंसिटिव ये वाला है। अब इसमें क्या होगा आपने एक बार सेट तो कर दिया ठीक है, तो यहाँ से ये डायल इंडिकेटर जो है ये आपको प्रेशर भी बताएगा कि प्रेशर कितना एक्ट हो रहा है, कि मेजरमेंट में प्रेशर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आगे देखेंगे हम लोग को क्या इंपॉर्टेंस है तो आगे आने वाले टॉपिक पे है वो। तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन एंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स एक बात याद रखिए ये कभी एग्जाम्स में तो इसके क्वेश्चंस नहीं आए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ड्रॉ नीड स्केच ऑफ स्नैप गेज रिंग गेज प्लग गेज थ्रेडेड प्लग गेज एडजस्टेबल स्नैप गेज एक्सपेरिमेंट विद नीड स्केच स्नैप गेज रिंग गेज प्लग गेज थ्रेडेड प्लग गेज और स्नैप गेज,
एग्जाम में आए नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके समय में आ भी जाए। प्रोग्राम आउटकम जो हम लोगों ने पहले बात किया था, PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, 9 और 10, ये सेटिस्फाई होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टॉलरेंस सिंबल। थैंक यू फ्रेंड्स।